से हमने काफ़ी टॉपिक्स पे डिस्कस किया है, लेकिन आज मैं स्पेशली आपसे 2 दिन पहले पेश आने वाले एक अलमनाक हादसे के मतलब बात करूंगा, जिसमें जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के वाइस चांसलर डॉक्टर शाहिद कमाल साहब की डेथ हुई है। डॉक्टर शाहिद कमाल साहब लाहौर से फैसलाबाद जा रहे थे और साइयावाला इंटरचेंज के करीब उनकी गाड़ी का टायर बस्ट हुआ और उसके बाद गाड़ी बेकाबू हुई और आगे एक ट्रेलर के साथ जाके हिट हुई, जिसमें डॉक्टर शाहिद कमाल साहब की डेथ हुई है और उनके ड्राइवर जो हैं वो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में हैं। मैं आपसे इससे पहले भी इस टॉपिक पे बात कर चुका हूँ कि जब गाड़ी का टायर बस्ट होता है तो इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं। तो मैंने आपसे ये अर्ज़ किया था कि गाड़ी के जो टायर्स हैं उनके हवा का दबाव आप मुसलसल चेक रखें जब आप एक लंबा सफ़र करते हैं, क्योंकि मोटरवे पे मुसलसल आपने 100 या 110 120 तक सफ़र करना होता है। तो जब आप इतनी रफ्तार से सफ़र करते हैं तो गाड़ी के टायर्स में हवा जो है उसमें प्रेशर ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। टायर्स जब रगड़ खाते हैं तो उसमें टायर्स के अंदर हवा का दबाव इंक्रीज़ हो जाता है। तो उसका एक ही सिंपल सा सलूशन है कि आप जब भी मोटरवे पे सफ़र करें तो टायर्स में हवा का दबाव चेक करवा लिया करें किसी पंक्चर शॉप से जिसके पास डिजिटल आपके लिए चेकिंग है, और हमेशा हवा का दबाव चेक करने के बाद आप मोटरवेज पे सफ़र करें। जब गाड़ी का टायर बस्ट होता है तो उसके बाद सबसे पहले ये हमारा ये फ़र्ज़ है और हमें इस मैसेज को तमाम ड्राइवर्स तक कन्वे करना है कि गाड़ी को कंट्रोल करना चाहिए, ब्रेक अप्लाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब आप ब्रेक अप्लाई करते हैं तो गाड़ी कंट्रोल लेस हो जाती है और उसके बाद गाड़ी या तो नीचे वर्ज में गिर जाती है या फिर किसी और गाड़ी से टकरा जाती है। तो गाड़ी का टायर जब बस्ट होता है, टायर फट जाता है, तो उसके बाद आप की सिर्फ एक ही प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप दोनों हाथों से स्टेयरिंग को मजबूती से कंट्रोल करें, गाड़ी के खिंचाव को रोकें, गाड़ी को लेफ्ट या राइट हिट ना होने दें, गाड़ी को रोड के ऊपर रखने की मैक्सिमम कोशिश करें। लेकिन ब्रेक अप्लाई करना ये इंतहाई ख़तरनाक हो सकता है, जिसमें आपकी जान ज़ाया हो सकती है। इसमें अब तक कई जानें ज़ाया हो चुकी हैं कि गाड़ी का टायर बस्ट होता है तो ब्रेक अप्लाई कर दी जाती है जिसके बाद गाड़ी कंट्रोल लेस हो जाती है। दूसरी बात यह है कि जब आप सफ़र करते हैं तो इससे पहले कि आप गाड़ी ड्राइव करनी शुरू करें आपको सीट बेल्ट बांध लेनी चाहिए, चाहे आप ड्राइविंग सीट पे हैं, आप सेकंड सीट पे हैं, आप पीछे बैठे हुए हैं, अपनी ज़िंदगी को तरजीह दिया करें। सेफ्टी बेल्ट के इस्तेमाल में गफलत ये भी अब मौत का सबब बनती है जब कभी भी हादसा होता है। तो ये 2 चीज़ें हैं, गाड़ी के टायर बस्ट होने पे कभी ब्रेक अप्लाई ना करें और सीट बेल्ट के इस्तेमाल को तरजीह दें। तो फिर आप देखेंगे कि हादसा तो रोड का हिस्सा है, आपकी गलती से या किसी और की गलती से हो सकता है हादसा, लेकिन अगर आप सीट बेल्ट का इस्तेमाल करते हैं और टायर बस्ट होने की सूरत में ब्रेक अप्लाई नहीं करते तो आप मैक्सिमम सेफ़ रहते हैं और आपके सेफ़ रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आइए मज़ीद जो इस तरह के हादसात हैं हम उनको इसी तरह रोक सकते हैं कि हम हमारी जो अप्रोच है रूल्स के मुतल्लिक, ट्रैफिक रूल्स के मुतल्लिक, वो बड़ी मचोर होनी चाहिए, बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए ताकि इन फ्यूचर हम ऐसे हादसात को रोक सकें। टायर बस्ट होने पे ब्रेक अप्लाई करना, इसमें बड़े बड़े कीमती लोग इस दुनिया से चले गए हैं। इसी तरह जब जिस तरह परसों डॉक्टर शाहिद कमाल साहब की डेथ हुई है, वो शोभा साइंस के डीन थे पंजाब यूनिवर्सिटी के और उनको पिछले 2 साल से जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का वाइस चांसलर अपॉइंट किया गया था। इतने कीमती लोग जब दुनिया से जा रहे हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमारी रूल्स जो सेफ्टी रूल्स के मुतल्लिक अप्रोच है वो कितनी वीक है। तो इसको बेहतर करने की सिर्फ एक ही सूरत है कि हम रोड सेफ्टी जो अवेयरनेस है उसको प्रायोरिटी पे रखें, रूल्स को फॉलो करें, और हमारे जितने भी ड्राइवर्स हैं, चाहे वो फैमिली ड्राइवर्स हैं या यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हैं, कॉलेजेस के अंदर हैं, या और पब्लिक सेक्टर्स के जितने भी इदारे हैं उनमें जो ड्राइवर्स हैं उनके ट्रेनिंग सेशन होने चाहिए ताकि उनकी अप्रोच को स्ट्रॉन्ग किया जाए।
उनको रूल्स के मुतल्लिक आगाही हो और उनको ये पता होना चाहिए कि टायर बस्ट हो तो उस वक्त ब्रेक अप्लाई नहीं करते, गाड़ी को कंट्रोल करते हैं। से जो सीट बेल्ट है उसके इस्तेमाल पे फोकस किया जाना चाहिए। और आपको ये भी पता है कि आपकी सेफ्टी का जो एयरबैग का एक सिस्टम है, सप्लीमेंटल रिस्ट्रेंट सिस्टम, वो भी गाड़ियों के अंदर है और ये आपको उस वक्त सेफ एंड सिक्योर करता है जब आपने सीट बेल्ट का इस्तेमाल किया होता है। तो एयर बलून्स निकलते हैं, वो भी आपकी सेफ्टी में अपना की रोल प्ले करते हैं। तो ये सारी चीज़ें उस वक्त हैं जब आप सीट बेल्ट का इस्तेमाल करते हैं और टायर बस्ट होने पर ब्रेक अप्लाई नहीं करते। तो आइए इस मैसेज को आगे कन्वे करें ताकि हम कीमती जानों का ज़्यादा रोक सकें। थैंक यू वेरी मच।